बट एंड का रिजल्ट क्या निकला कि आई हैव टू गो पर्सनली एंड डू इट एंड इट्स अ बिग टास्क यार. अभी बिल्कुल जाने का मन नहीं है. आई एम नॉट श्योर शिवा को बिल्कुल अच्छा लग रहा मैं निकला हूँ घर से बाहर बट आई कांट हेल्प इट. हेलो गाइस वेलकम बैक टू प्लान डमी. मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक टू प्लान अमित. और मेरे पौधे ये देखो ये भी ये तो ऑलमोस्ट ही जाने वाला है. ये लेमन ग्रास हमें लेमन ग्रास इतनी ज़्यादा पीते हैं ना. ऑल दो यहाँ से मैंने बहुत ही कम तोड़ी है बस चल यार पौधे इतनी गर्मी है यार तो पौधों का भी हालत खराब है. वेल बाय द वे सुबह सुबह हो गई है. आज भी मैंने एक्सरसाइज नहीं की है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठा था. उठ गया था पता नहीं क्यों मैंने वापस से नींद आ गई और मैं उठा हूँ अराउंड 9:30 आई थिंक. तो 9:30 लेट हो गया इसकी वजह से 10 o'clock दीदी आ गए फिर मुझे भूख लग गई और मैंने फिर एक्सरसाइज नहीं की है. बाय द वे देखते हैं घर का माहौल कैसा है. शिवा जी यहीं कहीं घूम रही होंगी और ताशा भी. ताशा एक्चुअली नाराज़ है. ताशा बात नहीं करी है 2 दिन से. कल भी आई थिंक उसको मैंने ट्राई किया वो देखो अभी भी कहाँ बैठा हो छुप के. वही कहाँ जा रहा है ताशु. ताशु लड़कियों से ज़्यादा नखरा है ताशा का. वो ताशा बिल्कुल अभी नाराज़गी में है उसे मनाना पड़ेगा. मनाते हैं फिर मिलते हैं आपको बाद में ब्रेकफास्ट के. तो ब्रेकफास्ट तो हो गया है. Oh, no. मैं कितनी बार ब्रेकफास्ट के बाद मिलूंगा. ब्रेकफास्ट खा लिया मैंने तभी तो एनर्जी आई है बोलने के लिए मेरे अंदर. वो आप क्या रिश्वत दे रहे हो ताशु को मनाने के लिए. ये अभी तो शिवा के पास बैठी थी और शिवा ने इसको उठाया हुआ था तो मैं आया पास में मैंने सोचा मैं भी उठाता हूँ. ये बिल्कुल भी नहीं आ रही मतलब आई थिंक शिवा से नहीं मुझसे नाराज है अकेले सर मैंने कुछ किया भी नहीं है. अमू ने बस ये गलती की है कि सुबह सुबह उठ के बच्चों का प्यार चाहिए होता है और अमू ध्यान नहीं देते. वो जब मैं उठी हूँ ना वो गुस्सा बैठी हुई थी तो मैं उसको इतनी देर पैम्पर करती रही फिर मैंने उसको उठाने की कोशिश की फिर मैंने उसको 2 बार सुबह से जबरदस्ती उठाया प्यार करने के लिए. डेंजरस को मैं इसलिए कैंडी दे रहा हूँ कि ये मान जाए. हाँ कैंडी देने के बाद मानती है. हाथ हाथ दाओ ताशु. बाहर निकल नहीं रहा हूँ बिकॉज एक्चुअली एक तो कोरोना केसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उस चक्कर में बाहर निकलना वैसे भी अवॉइड कर रहे हैं. बट अभी एक ऐसा अर्जेंट काम आ गया जिसके लिए मुझे जाना ही पड़ेगा तो वो भी बहुत सुबह से एक्चुअली मैं उसी में फंसा हुआ हूँ. पता नहीं कितनी कॉल्स कर ली मैंने सुबह से. कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है जो आपके जाए बिना शॉर्ट नहीं हो पाती शॉर्ट आउट ही नहीं हो पाती. मैं सुबह से उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई हैव मस्ट हैव मेड अराउंड 100 कॉल्स सुबह से लेकर अभी तक कहाँ कहाँ कैसे कैसे करके. बट एंड का रिजल्ट क्या निकला कि आई हैव टू गो पर्सनली एंड डू इट एंड इट्स अ बिग टास्क यार. अभी बिल्कुल जाने का मन नहीं है. आई एम नॉट श्योर शिवा को बिल्कुल अच्छा लग रहा मैं निकला हूँ घर से बाहर बट आई कांट हेल्प इट. रोड्स आर मोस्टली एम्प्टी. दुकानें भी बंद हैं सारी दुकानें ही बंद हैं. बहुत ही कम दुकानें हैं अभी ओनली एसेंशियल खुली हैं. मैंने जो भी रास्ते में मॉल वॉल भी देखा है वो भी सब बंद ही है. आप लोग अपने घरों पे रहें अच्छे से रहें जैसे भी रह रहे हैं क्योंकि इस टाइम पे सेफ्टी बहुत ज़रूरत है. मॉर्निंग गाइस. कल का दिन तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग रहा और एग्जॉस्टेड भी था. वो आके मैं सो ही गया था मतलब
लाइक सो टायर्ड, खाना खाया, आई नॉर्मली आई डोंट रियली स्लीप आफ्टर ईटिंग फूड, बहुत जल्दी एटलीस्ट 2 आवर का गैप रखता, बट कल मुझसे बिल्कुल नहीं हो पाया और मैं सो गया। और आज सुबह सुबह की न्यूज़ ये कि दीदी नहीं आ रही है, अनुशी का ब्रेकफास्ट तो बना रही है, लेट्स गो एंड चेक व्हाट इज शी मेकिंग। क्या बना रहे हो शी? क्या? हाँ उत्पम। यार दीदी आज आई नहीं है तो आज पूरा दिन ये भी काम करना पड़ेगा, बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते और अभी खुद में ये क्या इसमें क्या रखा है? ओके तो आज वाइट छोले मिलेंगे खाने को और मिलेगा उत्पम। चलो थोड़े से मैं जाके शिवा की हेल्प करता हूँ एंड देन विल कनेक्ट अगेन। गाइस वी नीड टू टेक इट वेरी सीरियसली नाउ बिकॉज एक्चुअली आज मेरा आधा दिन सिर्फ उन लोगों को फ़ोन करने के लिए गया जिनको सबको कोरोना हो चुका है, मेरी फैमिली में है। आई एम फीलिंग सैड फ्रॉम लाइक माई कज़न, माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के डैड और मेरी मासी जी का बेटा, मतलब बहुत सारे लोगों को कोरोना हो गया एंड देन सो सैड मीन दैट सबको सेम चीज बात बोलते हुए रहे। ध्यान देना चाहिए हमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा सो इरिटेटिंग। एक्चुअली मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा बात बोलनी भी नहीं है बिकॉज सो नेगेटिव, साउंड सो नेगेटिव, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक मच अबाउट इट। दिया और ये देखो मुझे, मैं काम कर रहा हूँ, ये देखो ये यहाँ पे सो रही है। मैं डायरी लेकर आया था कुछ काम करने के लिए, मैं सोचा कुछ काम करता हूँ बैठ के, और सैडली मेरी डायरी के ऊपर आके सो गई। आई थिंक शी इज द ओनली वन हू इज कीपिंग अस अवे फ्रॉम दिस ऑल स्ट्रेस, बट व्हाट आई कैन से ओनली 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 यही है टाइम जब हमें बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं सबको भी बोल रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं सबको बोल रहा हूँ प्लीज़ 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 ध्यान रखें, प्लीज़ ध्यान रखो। अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो गया। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है जिसको मैं फ़ोन कर रहा हूँ वो आगे आगे न्यूज़ दे रहे कि उसको हो गया, देन उसको हो गया, देन उसको हो गया। सो गाइस चलते हैं फिर, अभी आज के ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, 12 बज चुके हैं और मैं कुछ काम कर रहा था करते करते इतना टायर्ड हो चुका हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप ना। गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, और जो मैसेज बोला है उसे प्लीज़ कंसिडर करें एंड आपको पता क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ला 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 ला।